बुधवार को गया ओटीए में प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। ओटीए के बोधिसत्व हॉल के प्रांगण में कमांडेंट सुनील श्रीवास्तव के द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिसमें 22 कैडेट्स को व्यक्तिगत मेडल और 5 ट्रॉफी अलग अलग कंपनी के प्रतिनिधि को दी गई। इस दौरान सेना के कई अधिकारी एवं कैडेट्स मौजूद थे। इस मौके पर ओटीए के कमांडेंट सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि 7 दिसंबर को ओटीए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 102 जवान पास आउट होंगे। टेक्निकल एंट्री स्कीम के 87 एक भूटान के 4 कैडेट्स के अलावा अन्य कई विभागों के कैडेट सेना में कमीशन प्राप्त कर अधिकारी बनेंगे। कमांडेंट सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि के रूप में वियतनाम आर्मी के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होता है कि जेंटलमैन कैडेट्स को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही युद्ध कौशल की सभी नीतियों से अवगत कराया जाए और एक मजबूत योद्धा व अधिकारी बनाया जाए, ताकि वो देश के लिए हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार रहे। कमांडेंट सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान परिवेश में साइबर वार, स्पेस वार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। इसे देखते हुए साइबर वार, स्पेस वार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, ताकि युद्ध के दौरान वो अपना बेहतरीन कौशल दिखा सके। कमांडेंट ने कहा कि इससे पहले 6 दिसंबर को मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जवानों के द्वारा एक से बढ़कर एक हेल्थ एंगेज कारनामे दिखाए जाएंगे। पासिंग आउट परेड का आयोजन 7 दिसंबर को किया गया है। इस पासिंग आउट परेड में 96 कैडेट्स ऑफिसर बनेंगे। इस 96 में 87 ऑफिसर्स जो हैं, वो टेक्निकल एंट्री स्कीम के हैं, जिसमें कि भूटान के भी 4 कैडेट्स शामिल हैं और वो रॉयल भूटान आर्मी में कमीशन होंगे। इन कैडेट्स ने जनवरी 2016 में एक साल के लिए इस एकेडमी में बहुत ही टफ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया था, और ज्वाइन किया था एक सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ कम से कम 70% मार्क्स जिनके होते हैं वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हजारों में सिलेक्शन सेंटर के पास इंटरव्यू के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के बाद वो सिलेक्ट होकर 90 कैडेट्स पर 6 मंथ्स हमारी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। एक साल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ करने के बाद वो 4 साल इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस इंडियन आर्मी के हैं वहां पे जाते हैं। कॉम्बैट इंजीनियरिंग करने वाले कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे जाते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने वाले MCTE महू जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले MCEME सिकंदराबाद जाते हैं। और इस 4 साल इंजीनियरिंग के 3 साल पूरे करने के बाद वो वापस हमारे पास आते हैं कमीशन प्राप्त करने के लिए। इनको इनकी यूनिट्स अलॉट कर दी गई हैं, और वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, कॉम्बैट सपोर्ट और सपोर्ट आर्म्स और सर्विसेज सब में कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। हम यंग मिलिट्री लीडर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऐसे मिलिट्री लीडर्स जिनका कैलिबर मिलिट्री ट्रेनिंग में, कैरेक्टर में, फिजिकल एबिलिटीज में और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज में बिल्कुल आला दर्जे का होता है, और ऐसे कैडेट्स जो आजीवन मिलिट्री वैल्यूज, इथॉस, एथिक्स, जैसे कि ऑनर, ड्यूटी, सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी, रिस्पेक्ट का सारे जीवन पालन कर सके। और हमारी एकेडमी का मोटो इसीलिए है, शौर्य, ज्ञान और संकल्प। जो टेक्निक है, क्योंकि अब युद्ध ही हो, अगर होने की संभावना है या अभी युद्ध लड़ी जा रही है, उसमें टेक्निक का बहुत बड़ा महत्व है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी वो ऐसा नहीं है कि लड़ाई का ब्यूगल बजकर तब लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हो रही है, हर जगह हो रही है, और ऐसे माध्यम से जिनका मालूम नहीं चलता कि कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, यानी कि हाइब्रिड और ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब शामिल है। और इसी वजह से जैसा कि आपने कहा है, टेक्नोलॉजी को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने ट्रेनिंग करिकुलम में, और ये सारे सब्जेक्ट साइंस एंड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब को अपने कैडेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम इंट्रोडक्शन लेवल पे फोकस करते हैं, और उसके बाद जब ये चार साल अपने चुने हुए क्षेत्रों में इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तब डिटेल में ये इनके एक्सपर्ट्स बन जाते हैं।